टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले शो मोलकी की कहानी में एक अलग ही ड्रामा चल रहा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि विलेन वैभव की काली करतूतों का सच सामने लाने के लिए पूर्वी और प्रियू ने बहुत मेहनत की है, लेकिन क्योंकि इनके पास सबूतों की कमी है, इस वजह से वीरेंद्र और पंचायत के लोग पहले तो पूर्वी और प्रियू पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही राधिका की डेड बॉडी लेकर आई जाएगी तब सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वेल, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि अब राधिका का मर्डर केस दिखाया जाएगा। ये ट्विस्ट बदल देगा, पलट देगा पूरी कहानी। वैभव जो ये सोच रहा है कि वो बड़ी ही आसानी से इस इल्जाम से निकल जाएगा, वो असल में राधिका के मर्डर की वजह से ही गिल्टी साबित होगा। देखेंगे आप कि किस तरह से वीरेंद्र के बॉडीगार्ड्स घर जाकर हवेली जाकर राधिका की डेड बॉडी पंचायत में लेकर आएंगे। वैभव के बाकी दोस्त राधिका को इस हालत में देख बहुत इमोशनल होंगे और उनका गुस्सा वैभव पर फूट पड़ेगा। वो वैभव से कहेंगे कि अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए वो इस हद तक गिर सकता है, राधिका की जान ले सकता है, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और इसी वजह से अब खुद वैभव के दोस्त ही वीरेंद्र के सामने बता देंगे पूरी असलियत कि असल में प्रियू के साथ उस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वैभव है। इसके बाद शुरू होगी असली कहानी, जहां पर राधिका के मर्डर की असलियत भी सामने आएगी। दरअसल वैभव राधिका का मर्डर नहीं है। वैभव ने राधिका को दरवाजे के पीछे बंद तो किया था, लेकिन राधिका की जान ली है अंजलि ने। जी हाँ, अंजलि है कहानी की असली विलन, जिसने पूर्वी और प्रियू से बदला लेने के लिए राधिका की जान ले ली, ताकि इसका इल्जाम वो पूर्वी और प्रियू पर डाल सके। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल मोलकी की कहानी। फॉर ऑल द लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स, सेलिब्रिटी न्यूज एंड व्यूज, प्लीज सब्सक्राइब सीरियल खबरी एंड हिट द बेल आइकन।